बहुत टाइम से इसके सीजन टू का इंतजार था। सीजन वन में जो चीजें हमारे सामने दिखाई जाती हैं उनको लेकर काफी सारे सवाल हमारे दिमाग में खड़े होते हैं, तब उनके जवाब हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब चीजें कहां से शुरू हुई, कौन इसके पीछे है, एक्चुअल में जो मेकर्स हैं उनका क्या मकसद है इस तरीके की सीरीज बनाने का। लेकिन सीजन टू के अंदर मैं कह सकता हूं कि इन्होंने जितनी उम्मीदें हमने लगाई थी उनके ऊपर पानी फेर दिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके ऊपर आएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में हेलबाउंड सीजन टू के बारे में, जिसके अंदर 6 एपिसोड है और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो तकरीबन 40 से 50 मिनट के आसपास है, मतलब किसी की 50 मिनट से ज्यादा भी है तो किसी की 40 मिनट तक भी रखी गई है। और इस सीरीज को आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, ऑब्वियसली अब तक तो पता ही चल गया होगा क्योंकि इसका रिव्यू करने में ऑलरेडी लेट हो चुका हूं। हम बात करेंगे कि इस सीरीज में क्या अच्छा है, क्या हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है, क्या इसके अंदर कमियां हैं, किन चीजों के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए था। बट आते हैं सबसे पहले इसकी कहानी के ऊपर। जहां सीजन वन खत्म होता है, जैसे कि हमें दिखाया गया था कि एक पहले भविष्यवाणी होती है किसी व्यक्ति को लेकर कि ये फला तारीख को फला टाइम के ऊपर मारा जाएगा, और उसी वक्त जिस टाइम जो टाइम डिसाइड किया होता है उसी दिन के अंदर 3 दानव निकल कर आते हैं। पहले उस इंसान को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, फिर वो तीनों दानव उसको जला देते हैं। अब ये लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा एक डर क्रिएट हो जाता है कि शायद ईश्वर जो है वो लोगों को जो पनिश कर रहा है, ऐसे लोगों को जिन्होंने कोई काम पाप किया है, कोई अधर्मी हो गया। और ये जो सोच है एक धार्मिक संगठन न्यू ट्रूथ करके, उसका जो सीईओ है, अब देखो यार मुझे उसका नाम लेने में बड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ट्राई किया उसका नाम याद करने की लेकिन हो नहीं पा रहा, अब मैं उसको सीईओ ही बोलूंगा। तो वो जो सीईओ है वो काफी तरीके से फेमस हो जाता है अपनी एक प्रवचन से लोगों के अंदर ये बताने में कि ये ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर की जो खिलाफ चल रहे हैं, जो अधर्मी जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो ईश्वर ने पनिश करने का ये तरीका निकाला है। तो इसी सोच को सीजन वन में दिखाया गया था और एक ये जो एक नई तरीके की कहानी हमारे सामने निकल कर आई थी। अब जहां पर सीजन टू है वहां एक तरीके से समझिए जो लोग मारे गए थे सीजन वन के अंदर, जो 3 दानवों ने मार दिए थे, अब वो वापस से जिंदा हो गए हैं। अब कुछ सारे लोग जिंदा नहीं हुए, कुछ एक लोग जिंदा हो गए। अब यहीं से अब कहानी को आगे बढ़ा गया, जो एक न्यू ट्रूथ का जो सीईओ था वो वापस जिंदा हो जाते हैं। अब देखने वाली बात होती है कि एक न्यू ट्रूथ है, एक एरोहेड करके एक और धार्मिक संगठन है जो एक तरीके से समझिए बहुत ज्यादा वायलेंस वाले हैं, जिनकी थॉट एक तरीके से फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनका ये मानना है कि अगर हमें ईश्वर के प्रकोप से बचना है तो हमें प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित कैसे करना है, देखिए वो चीज अगर मैं बताने लगा तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा, जब आप ये सीरीज देखोगे तब समझ जाओगे। सरकार जो है वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि एक न्यू ट्रूथ है, एक एरोहेड है, 2 धार्मिक संगठन है, अलग अलग आइडियोलॉजी यहाँ पर चल रही है, ईश्वर को मानने के लिए कोई ईश्वर के प्रायश्चित करने का तरीका बता रहा है, लेकिन एकदम अराजकता वाली स्थिति हो चुकी है देश के अंदर। तो सरकार इस चीज से परेशान है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, जो एक जो सीईओ वापस जिंदा हो गया है वो कैसे इस सिचुएशन का फायदा उठाता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस सीरीज को देखने में मिलेंगे। और साथ ही साथ क्या आपके अंदर ये भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि यार ये जो सब चीजें शुरू हुई है 3 दानव, या फिर इसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या है, कौन मर रहा है, किस लिए मर रहा है, वापस कैसे आ रहे हैं, इन तमाम सवालों के लिए देखो आपको ये सीरीज देखनी होगी। हालांकि मिले या नहीं मिले जवाब उनका तो मैं आपको जब ये वीडियो में आगे चलेंगे तब मैं बता दूंगा। तो ये हो गई इस सीरीज की कहानी, अब बात करते हैं इस सीरीज में अच्छा क्या। देखो सबसे अच्छी चीज तो मैं ये कहूंगा कि इस सीरीज का लास्ट वाला एपिसोड मुझे लगा। अब शायद कुछ लोग बोलेंगे अरे सर इसके अंदर तो 5-6 ही एपिसोड है, उसके अंदर आपको लास्ट वाला एपिसोड अच्छा लगा है, तो पांचे जो बाकी जो 5 बच गए एपिसोड क्या वो खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम कोई सीरीज देखते हैं तो लगता नहीं है कि कोई हमें करेक्टर पसंद आ जाता है या कोई हमें पर्टिकुलर सीन पसंद आ जाता है, तो ऐसे ही कोई पर्टिकुलर एपिसोड भी तो पसंद आ सकता है। तो इस बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे ये 6th एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया क्योंकि काफी सारी चीजें हमारे सामने उसके अंदर दिखाई जाती है एक इंटरेस्टिंग वे में। ऑब्वियसली किसी भी सीरीज का ज्यादातर लास्ट वाला एपिसोड और फर्स्ट वाला एपिसोड दमदार होते हैं, पर यहाँ पर मुझे लास्ट वाला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा जो एक धर्म को लेकर कि जैसे भय क्रिएट हो गया तो धर्म को लेकर वहां पे चीजें फैलाई जा रही हैं, एक एरोहेड है, एक न्यू ट्रूथ है जो अपनी एक सोच लोगों के अंदर फैला रहे हैं कि देखिए ईश्वर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं उन चीजों से। हमारे देश के अंदर भी काफी सारे ऐसे लोग निकल कर आ जाते हैं जो धर्म के नाम पर बरगलाने लग जाते हैं, लोगों को भड़काते हैं या फिर लोगों को अंधविश्वास की तरफ धकेलते हैं। अभी हाल ही के अंदर सोशल मीडिया पे आपने अनुभव अरोड़ा ऐसे कुछ करके, अभिनव अरोड़ा जो भी है, वे छोटे बच्चे का आपने सुना भी होगा, जैसे उसके माता पिता ने उसका गलत यूज करके जैसे लोगों को एक मिसगाइड करने की जो वहां पर कोशिश की है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो यहाँ पर इस सीरीज में दिखाई है, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। बाकी देखो बैकग्राउंड म्यूजिक इस सीरीज का मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एक कल्ट लीडर करके जो एक एरोहेड यहाँ पर दिखाया गया है, कल्ट लीडर कह सकते हो, वही कल्ट लीडर क्या है, एक ऐसी संस्था बना दी गई है जो काफी ज्यादा कट्टरपंथी हो गई है, तो एक एरोहेड की सोच बहुत ज्यादा खतरनाक यहाँ पे दिखाई गई है, वो वाली चीजें बहुत
ज्यादा मुझे पसंद आई है इस सीरीज में। और इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करूं तो हाँ, परफॉर्मेंस भी सबकी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात होगी तो ये हो गई इस सीरीज की अच्छी अच्छी बातें। तो क्या इतना ही अच्छा है, क्या इसकी कहानी अच्छी नहीं है, बाकी चीजें हाँ आएंगे उनके ऊपर। अब बात कर लेते हैं इस सीरीज में कमी क्या। देखो सबसे बड़ी कमी जो मुझे इस सीरीज में लगी वो है यहाँ पर जो राइटर है या जो डायरेक्टर है, जो मेकर्स हैं इस सीरीज के, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे या फिर जो बताना चाह रहे थे कि हाँ भाई लोगों को इस तरीके से बरगलाया जाता है, इस तरीके से भड़काया जाता है धर्म का नाम लेकर, वो सही ढंग से कन्वे नहीं कर पाए। मुझे बहुत ज्यादा वीक स्टोरी लगी है, वीक राइटिंग लगी है, सबसे बेकार मुझे डायरेक्शन इसके अंदर लगा। आप पूरी सीरीज को देख लीजिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सीरीज मत देखिए, बेशक आप इस सीरीज को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो राइटर है उसका खुद का क्लियर नहीं है कि वो लोगों को कैसे कन्वेंस करे कि यहाँ पर लोगों को धर्म के नाम पर ऐसे भड़काया जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी चीजें हमें कन्वर्सेशन के तौर पे दिखती हैं वो एकदम बेसलेस है, बहुत ज्यादा उसके अंदर लॉजिक तो है ही नहीं, इतनी बेकार चीजें हमारे सामने वो प्रस्तुत की गई है। हालांकि इतनी ज्यादा उम्मीदें इस सीरीज के इसके सेकंड सीजन ने थी, लेकिन वो सारी उम्मीदें एक तरीके से समझो उनके ऊपर पानी फेर दिया। खासकर जो ये राइटर वाला जो सेक्शन है, कहानी वाली जो चीजें हमारे सामने रखी गई वो बहुत ज्यादा वीक है। वीक तो मैं क्या कहूंगा, बहुत घटिया तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। हालांकि सीजन टू कहीं ना कहीं एक ऐसा फेस दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए जो सरकार है, जो पॉलिटिशियन है, वो कल्ट लीडर के साथ मिलकर या धार्मिक संगठन के साथ मिलकर कैसे लोगों को अपने इशारों पे नचाने का काम करती है, वो एक चीज इसके अंदर दिखाई गई। लेकिन बावजूद इसके देखिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग चीज थी वो, ये जो अपॉर्चुनिटी थी वो एक तरीके से मिस कर दी। आप सीजन टू देखिए, मैं जब देख रहा था तो एक अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा था कि यार ये इनको खुद नहीं पता, इनका खुद का विजन क्लियर नहीं है कि हमें ये जो सीरीज है इसका सेकंड सीजन है उसको किस दिशा में लेके जाना है, इसकी एंडिंग कैसे करनी है, लोगों को कैसे कन्विंस करना है कि हाँ भाई इस तरीके की चीजें हो रही हैं देश के अंदर या देश के या दुनिया के अंदर। जैसे पैरासाइट मूवी है जिसके अंदर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को लेकर एक लड़ाई दिखाई गई है, वो कन्विंस करती है लोगों को, अपने थॉट से कन्विंस करती है। लेकिन यहाँ पर राइटर का खुद का थॉट मुझे लगता है गायब था, एकदम बेकार मुझे ये सीजन टू लगा है। बहुत ज्यादा निराशा हुई है मुझे इस सीजन टू को देखकर। सीजन वन जिसमें इतना कुछ अच्छा था, एक अपॉर्चुनिटी थी सीजन वन के बाद, एक अच्छा एक बेस तैयार हो गया था, लेकिन यहाँ पर मुझे समझ नहीं आया कि एकदम से कहानी उन्होंने इतनी ज्यादा चेंज कर दी है कि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो मेरी तरफ से तो देखो ये जो राइटिंग है, डायरेक्शन है, इनको तो मैं जीरो जीरो देना चाहूंगा, इतनी ज्यादा निराश करती है। ओवरऑल अगर बात करूं तो देखो एकदम वीक कहानी है, वीक राइटिंग है, वीक डायरेक्शन है, आपको कुछ भी इसके अंदर अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे तो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आई। जो उम्मीदें थी उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती, जो सवाल इसके अंदर हमारे सीजन वन के अंदर थे उनका बिल्कुल भी ये जवाब नहीं देती है। ये सब चीजें कहां से कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या था, इनका कोई भी जवाब इस सीरीज अंदर इसके सेकंड सीजन में नहीं मिलता है। एकदम मुझे सच में यार वो सब मुझे इतना बुरा लगा यार इसके सीजन टू को देखकर, बहुत ज्यादा घटिया सीजन टू कहूंगा मैं। तो देखो मेरी तरफ से तो मैं इस सीजन टू को देना चाहूंगा 4 out of 10। बाकी अगर आप लोगों ने इसके सीजन टू को देखा है, आपको कैसा लगा, आपके विचार क्या है, आप किस तरीके से सोचते हैं, ये आप अपने विचार रख सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन ओपन है जिसमें एक भी कॉमेंट नहीं आता। और जिन्होंने नहीं देखी है तो देखो मैं किसी को जबरदस्ती तो मना नहीं करने वाला कि आप जाकर मत देखिए इतना बेकार, लेकिन आप एक बार जाकर देखेंगे तो आपको खुद यकीन होगा, शायद में भी आपको पसंद भी आ सकता है। लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिस तरीके की इसके अंदर चीजें दिखाई गई हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई थॉट क्लियर नहीं था, विजन क्लियर नहीं था, इसलिए मुझे वो एक तरीके से लगा एक अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश की गई है और वो चूक गए हैं इस बार ये। तो देखो अगर आप लोगों को देखना है तो बेशक देखें, बाकी रिव्यू आपके सामने ही है, आपको कैसा लगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।